हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज जो रीडिंग करने जा रहे हैं उसका टॉपिक है आपके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है। डाइस रीडिंग करेंगे और थोड़ी से टैरो कार्ड्स भी पढ़ेंगे इसमें, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग। मैं चाहूँगी आप अपने पार्टनर का ध्यान करें। यूनिवर्स मुझे बताएं, मेरे जो व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं, उनके पार्टनर के मन में आज क्या चल रहा है उनके लिए। ओके, सो जो एनर्जीज मैं पिक कर पा रही हूँ, यहाँ पर मुझे कैंसर मिला है, स्कॉर्पियो मिला है, वर्गो, पाइसेस, एरीज और टॉरस, और उसके अलावा लिब्रा एनर्जी मिली है, लियो भी मिला है, ठीक है? यहाँ पर जो एनर्जीज देख पा रही हूँ, आपके पार्टनर आपसे यूनियन करने के बारे में सोच रहे हैं। आपके पार्टनर आपसे रिकनसाइल करना चाहते हैं, यूनियन, और वो भी परमानेंट यूनियन चाहते हैं। ये यूनियन टेम्प्ररी वाला तो बिल्कुल नहीं है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि टेम्प्ररी वाला नहीं दिख रहा है, जिंदगी के साथ भी बाद भी वाली एनर्जी ज़्यादा है। ये व्यक्ति कहीं ना कहीं आपके साथ दोबारा रिश्ता बनाना चाहते हैं और पहले से और भी बेहतर। 6 2 3 ये जो कनेक्शन बना है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि पहले से और भी बेटर ये कनेक्शन को करना चाहते हैं कहीं ना कहीं। अच्छा, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, थी था पे ध्यान नहीं देना, ध्यान लड़का लड़की कोई भी हो सकते हैं आपके पार्टनर। आपके पार्टनर है, आपको पता है कि कौन से मतलब जेंडर के हैं। ओके, सो यहाँ पर जो एनर्जी रिफ्लेक्ट हो रही है वो है 2 6 3। डेफिनेटली ये कॉम्बिनेशन जो बन रहा है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके पार्टनर जो है कहीं ना कहीं आपसे जुड़ना चाहते हैं और पहले से और ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कनेक्शन में, पहले से और ज़्यादा ब्यूटीफुल कनेक्शन में। हो सकता है कि आप लोगों का पास में एक दूसरे के साथ कनेक्शन बहुत बेहतरीन रहा, लेकिन उससे भी ज़्यादा बेटर कनेक्शन चाहते हैं अब आपके साथ। ये कहीं ना कहीं आपके साथ मिलने को मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है एक्साइटेड है, बट ये इस वक्त कुछ ऐसे लोगों के इर्द गिर्द घिरे हुए हैं जिसके वजह से ये अभी तक आई नहीं है, क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन भी बनती दिखाई दे रही है। और यहाँ पर अगेन मुझे फैमिली रिप्रेजेंट हुई है, ये फैमिली और थर्ड पार्टी, यानी कि या तो ये व्यक्ति मैरिड है, या तो ये व्यक्ति और आपके बीच में इनके और आपकी या तो इन लॉस का कोई इशू है, या तो इनकी फैमिली इनको मैरिज के लिए बोल रही है, क्योंकि यहाँ पर फैमिली है, यहाँ पर थर्ड पार्टी है और यहाँ पर सोलमेट है। तो आपके पार्टनर जो है आपके सोल से कनेक्ट करना चाहते हैं, बट यहाँ जो है बंदिशें हैं, यानी कि फैमिली और थर्ड पर्सन की वजह से ये व्यक्ति चाहकर भी आपको अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं, जबकि इनके सबकॉन्शियस माइंड में बहुत स्ट्रांगली ऐसा चल रहा है कि ये आपको जल्द से जल्द मैसेज करना चाहते हैं या कम्युनिकेट करना चाहते हैं। आपके पार्टनर किसी चीज़ों को या कोई कार्य को पूरा करने में लगे हुए हैं, कोई कार्य है जो अधूरा है जिसे कम्प्लीट करना बहुत जरूरी है। अगर वो कार्य पूरा नहीं किया तो आपसे जुड़ पाना मुश्किल है। अब ये अगेन मुझे दान धर्मी एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई गिव एंड टेक एनर्जी है जहां पर लोगों की सहायता कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, या लोगों को कोई पॉइंट प्रूफ करने का प्रयास कर रहे हैं। हो सकता है ये आपके बारे में कुछ समझाने का प्रयास कर रहे हैं, या कुछ उनको सामने वालों को दिल जीतना है, शायद ट्रस्ट जीतना है, उसके बाद ही आपको अप्रोच कर सके, ऐसी एनर्जी बन रही है। आपके पार्टनर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको लेकर ये भी फील कर रहे हैं कि शायद आप किसी को बहुत ज़्यादा एंटरटेन कर रहे हो, मे बी आपकी कोई पुराने फ्रेंड या किसी एक्स से इस व्यक्ति ने आपको बात करते देख लिया है, या आपने किसी को लाइक किसी के साथ कोई फोटो डाल दिया है, जिससे कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जलस बहुत हुए हैं, बहुत ज़्यादा जलस हुए हैं। लेकिन पेशेंस रखना, बहुत जल्द इनकी तरफ से एक्शन आएगा। बहुत जल्द का मतलब ये नहीं है कि एक दो महीने के अंदर आएगा, मुझे काफ़ी स्ट्रांगली जो दिख रहा है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये व्यक्ति करीबन अगस्त के एंड या सितंबर में ये व्यक्ति कोई एक्शन लेने वाले हैं। ये बंदाबंदी जो भी है ये अचानक से खुद होकर आएंगे और इनकी कम्युनिकेशन लिटरली ऐसा होगा कि जैसे ये आपको टोंटिंग भी करेंगे इस बात पे कि अच्छा अब तुम्हें नया मिल गया है तो भाई अब तो तुम्हारे तेवर बदलेंगे ही, लाइक इस तरीके की एनर्जी है जहाँ पर ये आपको तेवर दिखाते नजर आ रहे हैं कि भाई ठीक है बेटा अब तो तुम्हारे, मतलब कहीं ना कहीं क्रॉस चेक करेंगे ताकि आप इनको बोले कि नहीं भाई कौन आ गया नया, कौन है, किसकी बारे में बात कर रहे हो, ताकि ये जैसे ही आपके मुंह से ये सुने तो संतुष्ट हो जाएं कि ठीक है मतलब अभी भी इस इंसान की लाइफ में कोई नहीं है। बाकी ये सी अप्रोच करेंगे आपको, लेकिन जैसे कि मैंने कहा अगस्त एंड या सितंबर में इनकी अप्रोच आने वाली है, मैसेज आएगा इनका आपको। मैसेज के लिए अगर ब्लॉक करके रखा है तो पहले अनब्लॉक करेंगे, फिर ये आपको मैसेज करेंगे कि ठीक है बेटा अब तो मैं देख रहा हूँ तुम्हारा एटीट्यूड वगैरह ज़्यादा बढ़ गया है, ये है वो है, कुछ ऐसी एनर्जी जिससे आपको लगेगा कि अरे मैंने क्या किया, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैं तो अपने आप में ही थी या अपने आप में ही था, तुम्हें बैठे बैठे क्या हो गया, इस तरीके की एनर्जी होगी जहाँ पर ये आपको बात करेंगे लेकिन आपको इनडायरेक्टली चेक करेंगे कि आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं। इनके आसपास इनकी लाइफ में झगड़े बहुत दिखाई दे रहे हैं, इनके घर में झगड़े चल रहे हैं, या तो इनके
ऑफिस में बहुत झगड़े चल रहे हैं इस वक्त, इनकी ज़िंदगी में ना बहुत भूकंप आया हुआ है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, बहुत झगड़े हैं, लड़ाई हैं, कुछ लोग इनको बहुत ज़्यादा हार्म करने की कोशिश कर रहे हैं, हर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और हो सकता है यही कार्य पूरा कर रहे हैं, ये कार्य पूरा होने के बाद ही आपको अप्रोच कर सकते हैं। साथ ही साथ मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर को कुछ अनएक्सपेक्टेड ट्रैवलिंग्स भी करनी पड़ रही है जो वो नहीं करना चाहते पर उनको करनी पड़ रही है, और ये ट्रैवलिंग उनके वर्क रिलेटेड है। इस वक्त उनके आसपास का माहौल बहुत बिगड़ा हुआ है, हो सकता है आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, इसलिए भी हो सकता है ये नंबर मेरे सामने रिफ्लेक्ट हुआ है। बट यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ये व्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा इश्यूज़ का सामना कर रहे हैं, और यहाँ पर मुझे अगेन थर्ड पार्टी एग्जिट की एनर्जी मिली है। यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि थर्ड पार्टी आप लोगों की लाइफ से जो है एग्जिट करेंगे, क्योंकि थर्ड पार्टी की एंडिंग दिखाई दे रही है यहाँ पर। यहाँ पर फ्रेश स्टार्ट दिख रहा है, यहाँ पर थर्ड पार्टी एंडिंग दिख रही है, और यहाँ पर जो एनर्जी है फ्रीडम भी दिख रहा है यहाँ पर झगड़े बहुत हो रहे हैं इस वक्त इनके लिए, क्योंकि मेरे से ये ना हिल गया तो मैं अब वापस इसको रिफ्रेश कर रही थी। सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है कि आपके पार्टनर जो है राइट टाइम का वेट कर रहे हैं टू कॉन्टैक्ट या टू अप्रोच यू। आपको अप्रोच आसानी से नहीं करेंगे, पहले ये थोड़ा वेट करेंगे राइट टाइम का, और इस वक्त ऐसा दिख रहा है कि ये व्यक्ति थोड़े से कन्फ्यूज्ड है या स्ट्रैटेजी बना रहे हैं आपको अप्रोच करने के लिए। कोई कन्फ्यूजन है या कोई स्ट्रैटेजी बना रहे हैं ये आपको लेकर, जे भाई कैसे अप्रोच करना है, कैसे आपको मैसेज करना है, डायरेक्टली आना बेहतर रहेगा कि नहीं रहेगा, क्योंकि ऐसा लग रहा है आप दोनों के बीच में चीज़ें ऐसी बिगड़ी हैं जिसकी वजह से एकदम से डायरेक्टली नहीं आ सकते, ये इनडायरेक्टली ही आएंगे। आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा मैसअप हुआ है तो ये डायरेक्टली नहीं आ पाएंगे। अगर आप सोच रहे हो कि बहुत डायरेक्टली आ जाएंगे हाथ हिलाते हिलाते, तो नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इनकी तरफ से ऐसा दिख रहा है कि थोड़ा सा स्लो आएंगे और सोच समझ कर पूरा प्लान बना कर बाकायदा आएंगे। केतु की एनर्जी सैटर्न के साथ मिली है, और यहाँ पर जुपिटर भी रिप्रेजेंट हुआ है, और साथ ही साथ मून एलिमेंट भी हुआ है। एक मिनट यार, एक ही घर में ये चारों आकर बैठे हैं, सैटर्न केतु, ठीक है, ये कॉम्बिनेशन तो अच्छा है, जुपिटर और मून, यहाँ थोड़ा डगमगा रहा है चीज़ें। ये बंदा या बंदी जो भी है ना, ये अपनी इमोशंस में ना क्लियर ही नहीं हो पा रहे कि इनको एग्जैक्टली चाहिए क्या, ये क्लियरिटी नहीं रिसीव कर पा रहे। ये ट्राई करना चाहते हैं रिलेशनशिप में वापस आने के लिए, लेकिन ये बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं, क्योंकि एक पल ये अपने गोल्स और अपने अचीवमेंट्स और अपने आप के ऊपर ध्यान देते हैं, अगले ही पल ये कन्फ्यूज हो जाते हैं कि ये आपको अप्रोच करें या नहीं करें। इनकी मनोस्थिति स्थिर नहीं है, और इनके काम में डीले भी बहुत हो रहे हैं, और आजकल इनको गुस्सा ज़्यादा आता है, और ये अकेले अकेले ज़्यादा रहते हैं। ये अपने आप को समझने का प्रयास कर रहे हैं इस वक्त, ऐसा लग रहा है कि अपने आप को जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इनको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, ये फिगर आउट कर रहे हैं। इसलिए जो डिस्टेंस है ना, उसमें ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि ये आपको अपनी ज़िंदगी में देखना चाहते हैं या नहीं देखना चाहते, आप उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट हो, क्या ये आपको भूल पाएंगे। एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर ये गैप लेकर ना ये भी चेक कर रहे हैं कि क्या ये आपको भूल जाएंगे, अगर भूल गए तो ठीक, नहीं भूल पाए अगर कुछ और महीनों में तो फिर ये व्यक्ति आपको अप्रोच करेंगे, क्योंकि ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर कंफ्यूज्ड है। ये व्यक्ति आपके साथ फ्रेश स्टार्ट ज़रूर चाहते हैं, और इनको हर दिन डर लगा रहता है कि आपके जीवन में कहीं कोई और ना आ गया हो, बहुत स्ट्रांगली इनको ये डर लगता है, ये बहुत डरते हैं इस चीज़ से, क्योंकि ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे आपका आगे बढ़ना। ये व्यक्ति आपकी लाइफ में आपका ग्रो करना, आपका आगे बढ़ना, बिल्कुल मेंटली एग्जॉस्ट हो जाएंगे आपके पार्टनर, हैंडल ही नहीं कर पाएंगे, चाहकर भी ये व्यक्ति उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर। एक मैच्योरिटी होती ना कि भाई खुश रहे तू, भाई हैप्पी रहे, नहीं, ये इंसान हैंडल ही नहीं कर पाएंगे। एक मिनट, एक और डेक ओपन करने जा रही हूँ। सम मोर मैसेजेस यूनिवर्स, इनके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है, कुछ और मैसेजेस दें। ग्रोथ, सोलमेट, आप दोनों सोलमेट तो जरूर हो एक दूसरे के, क्योंकि सोलमेट का कॉम्बिनेशन तो बहुत बना। ये व्यक्ति डेफिनेटली आपके साथ कनेक्शन में आना चाहते हैं वापस। ये देखो, ग्रोथ, सोलमेट एंड फेथ, भरोसा रखो बहुत जल्दी आप लोग वापस से यूनियन में आओगे, स्ट्रांग चांसेस है, वेरी 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 स्ट्रांग चांसेस आप दोनों दोबारा यूनियन में आओगे, आप लोग दोनों की दोबारा बातचीत होगी, क्योंकि ये कनेक्शन क्लियरली ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर चाहकर भी आपसे दूर नहीं रहेंगे, और सोलमेट कनेक्शन बन रहा है, मतलब मैरिज होने के चांसेस हैं दोनों के, शादी होगी, ऐसे चांसेस बहुत स्ट्रांग हैं आप दोनों के। यहाँ पर यूनिवर्स का आशीर्वाद भी, आपको लग रहा है कि ये इंसान जो है आपको भूल गए, पर यहाँ पर जो भी चल रहा है इसमें यूनिवर्स आपको कह रहा है सब्र रखो, बहुत जल्द तुम्हारे फेवर में गेम होगा, पूरा का पूरा गेम। इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये आपके पार्टनर गेम ही खेल रहे हैं, एक तरह से कन्फ्यूज हैं खुद, और खुद आपको भी परेशान कर रहे हैं। यूनिवर्स मैसेजेस दें कुछ मेरे व्यूवर्स को, उनके पार्टनर की तरफ से कुछ मैसेजेस दें। दिस इज अ कार्मिक कनेक्शन, मैं बोल रही सोलमेट, तो ये बोल रहे कार्मिक, ओके।
यू नीड टू फोकस ऑन योर लव लाइफ, यू विल बी गेट प्रेग्नेंट सून, यू नीड टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स एंड समवन इज गिविंग यू ईविल आई. ओके, सो सबसे पहले मैं बता देती हूँ, आप अभी कोई कार्मिक साइकिल या कार्मिक कनेक्शन को फेस कर रहे हैं, यानी कि अगर आपकी लाइफ में बार बार एक ही पैटर्न घटित हो रहा है तो ये कार्मिक साइकिल हो सकता है जिसको आप क्लोज नहीं कर पा रहे हैं. आपको क्लोज करना पड़ेगा इस कार्मिक साइकिल को. और अगर बहुत सालों से सिर्फ ये पेनफुल एक्टिविटी चली रही है तो आप भाई साहब किसी कार्मिक कनेक्शन में हो जहाँ पर सिर्फ आप अब्यूज़ हो रहे हो या मारपीट कर रहे हो या गाली गलौज सुन रहे हो, तो ये कार्मिक कनेक्शन है. ठीक है, अगर ये सब नहीं हो रहा है आपके साथ, सिर्फ कुछ टाइम से बार बार साइकिल उल्टे पुल्टे हो रहे हैं, आपके पार्टनर सडनली चेंज हो गए, तो भाई एक कार्मिक साइकिल शुरू हो चुका है. इसे चेंज करने के लिए आपका बदलाव से गुजरना, आपके अंदर परिवर्तन आना बहुत जरूरी है. दूसरा मैसेज जो आया था वो ये था, यू विल गेट प्रेग्नेंट सून. आप दोनों के बीच में फिजिकल इंटिमेसी होगी बहुत जल्दी, बहुत जल्दी आप लोग दोनों के बीच में फिजिकल इंटिमेसी देखी जाएगी. या तो आपके घर में नन्हा मेहमान आएगा, यानी कि बेबी प्लानिंग के चांसेस बहुत स्ट्रांग है. यू नीड टू फोकस ऑन योर लव लाइफ. आपको जरूरत से ज़्यादा अगर अपने काम पे फोकस कर रहे हो तो काम के साथ साथ ये भी समझने का प्रयास करो कि आपकी लाइफ में लव क्यों नहीं आया. कहीं ऐसा तो नहीं कि आप लव को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अपने आप से ही प्यार नहीं कर रहे हो इसलिए प्यार रिजर्व नहीं कर मिल नहीं रहा है. यानी कि अक्सर ऐसा होता है कि अगर हमें लगता है कि वो चीज़ हमें नहीं मिलेगी, हम अपने आप को काबिल नहीं समझते या कॉन्फिडेंट नहीं समझते, तो दूसरे भी वैसे ही नज़र से हमको देख पाते हैं. अगर आप खुद को बहुत हॉट महसूस करोगे तो आप नोटिस करोगे कि आसपास के सभी लोग आपको हॉट फील करेंगे. लेकिन अगर आप अपने आप को बहुत ज़्यादा एकदम एवरेज लेवल में एवरेज लुकिंग इंसान मानोगे तो आप नोटिस करोगे दूसरे भी वही ऐसे उसी नज़र से आपको देख रहे हैं. तो क्या आपको लगता है कि आप डिजर्व नहीं करते हैं, तो डेफिनेटली फिर आपको प्यार कहां से मिलेगा, क्योंकि फिर वो आपके पार्टनर और बाकी लोगों को भी वही लगता है, वही वाइब्रेशन आप सेंड कर रहे हो. ठीक है, यू नीड टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स. अपनी मन की भावनाओं को छुपाने की जगह उसे एक्सप्रेस करना सीखो. अपनी मन की भावनाओं को दबाना बंद कर दो. ऐसा मत सोचो कि सामने वाला ही आपको अपनी भावनाएं बताए. खुद भी कभी कभी खुल खुल के एक्सप्रेस करना सीखो. स्पेशली अगर किसी नए व्यक्ति से बात कर रहे हो तो खुलकर फ्लर्ट करो, खुलकर एक्सप्रेस करो अपने मन की भावनाओं को. अपने डर को अंदर अपने हावी मत होने दो. ठीक है, समवन इज गिविंग यू अ ईविल आई. कोई तो व्यक्ति है जिसकी बहुत जल रही है, जिसको आपसे जलसी है. अब थर्ड पार्टी भी हो सकते हैं ये, पर कोई तो है. और ये कोई और नहीं तो आपके पार्टनर भी हो सकते हैं जो आपको लेकर इनसिक्योर हैं. लेकिन किसी की तो जल रही है भाई साहब. कोई तो ऐसा है जो इमोशनली बोल रही हूँ, कोई तो ऐसा है जिसको आप खुश नज़र जब दिख रहे हो तो अच्छे नहीं लग रहे हो, हैप्पी फीलिंग नहीं आ रही है उनको, कहीं ना कहीं दुख हो रहा है आपके खुश रहने से, आपके हैप्पी रहने से. तो डेफिनेटली किसी की तो आंखें टिकी हुई हैं. हो सके तो ईविल आई ब्रेसलेट बनवा लेना अपने लिए. एक मिनट, हाँ कुछ मैसेजेस निकाल रही हूँ. वेट, सम मैसेजेस प्लीज यूनिवर्स, इनके पार्टनर की तरफ से इनके लिए कुछ मैसेजेस दें. अच्छा, कितने लोगों को लगता है पिकअप कार्ड रीडिंग बनानी चाहिए? अगर लगता है पिकअप कार्ड रीडिंग होनी चाहिए तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना. ठीक है, मैं चेक करूंगी. अगर लगेगा बहुत ज़्यादा वोट आ रहे हैं पिकअप कार्ड तो मैं बनाऊंगी ज़रूर. फीलिंग बर्डन नॉट हैप्पी. आपके पार्टनर बिल्कुल खुश नहीं है, अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है उनकी लाइफ में और बिल्कुल खुश नहीं है. किसी बात का भी मज़ा नहीं है उनकी ज़िंदगी में. आई वॉन्ट टू बी विथ यू ऑलवेज. ये हमेशा आपके साथ रहना चाहते हैं क्योंकि आप इनकी बोलते ना, आप इनका पावर बैंक हो, आप इनका चार्जर हो, आप इनका, अगर ये धागा है तो आप इनकी सुई हो. अगर आप जो है, अच्छा ये कॉम्बिनेशन ज़रा कमेंट बॉक्स में लिखना, तो और क्या क्या कॉम्बिनेशन हम लोग बोल सकते हैं. अगर ये पराठा है तो आप इनका आलू हो और आप क्या हो आखिर इनके, मुझे खुद बताना कमेंट बॉक्स में. बड़ा मज़ा आएगा ऐसे कॉम्बिनेशन लिखो कि मैं इनका चावल हूँ तो ये मेरी कड़ी है. भले गंदा सा फनी सा हो लेकिन ट्राई इट ना, बस अच्छा लगेगा, मूड थोड़ा बेटर रहेगा आप लोगों का. आई वॉन्ट टू बी विथ यू ऑलवेज, मतलब आपके पार्टनर आपके साथ ही हमेशा रहना चाहते. रिमेंबर दोज ओल्ड डेज आवर पास्ट, या आपके साथ बिताए हुए पुराने वक्त को भूल नहीं पा रहे हैं, बार बार उस पुराने वक्त को याद करते हैं. पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, तो अभी भी कहानी में बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स होना बाकी है. चुपके चुपके तो मैं देख लेता हूँ आपके पार्टनर आपको स्टॉक कर रहे हैं. मुझे अभी किसी से बात नहीं करनी, आपके पार्टनर को किसी से बात नहीं करनी, हमें भी नहीं करनी. चलो यहाँ से पागल आदमी.
खुद ही डिसाइड कर लो बात करनी है कि नहीं करनी। सब्र रखो, जल्दी सब ठीक कर दूंगा। सब्र रखो, यूनिवर्स आपके लिए सब कुछ ठीक करेंगे। डोंट वरी, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। लाइफ में सब कुछ बढ़िया ही होना है, हमेशा कॉन्फिडेंट रहो इस बात को लेकर। जो भी सीख रहे हो उस चीज़ से, मतलब जो भी लाइफ में अगर कुछ गलत हो रहा है ना, उस चीज़ से अपने आप पर स्ट्रेस या उसको अपने ऊपर हावी मत कर दो कि अरे ये क्या हो रहा है मेरे साथ। मतलब मेरा ऐसा मानना है, देखो यार मैं बहुत हार्श वर्ड यूज़ करूँगी आप लोगों को समझाने के लिए, मेरा ऐसा मानना है कि इंसान की ज़िंदगी में ना मातम का या शोक का समय ना सिर्फ 4 दिन का होना चाहिए, या खींच खींच के 1 हफ्ते या 1 महीने का होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन उस चीज़ को जो खो दिया, उस चीज़ के बारे में अगर सालों साल रो रहे हो, तो समझो कि कुछ गलती आप कर रहे हो। यहाँ पर आपकी लाइफ में जो परिवर्तन आ रहा है, आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि जीवन में कुछ भी ना हमारे लाइफ में परमानेंट नहीं रहा है। अगर आप नोटिस करोगे तो हमारा स्कूल चेंज हुआ, कॉलेज बदली हुआ, जॉब्स चेंज हुए, हमारी लाइफ में ये चेंजेस आए हैं, हम इसको अपने ऊपर हावी नहीं करते। माता पिता के साथ रहते थे, धीरे धीरे मैच्योर हुए, अकेले रहना शुरू किया, अलग से रहना शुरू किया, भले में भी पार्टनर या किसके साथ। भाई बहन जब साथ में होते थे 24 घंटे, अब नोटिस करो भाई बहन अलग अलग अपनी अपनी दुनिया में रहेंगे। अगर नोटिस करोगे ना, तो लाइफ में परमानेंट हमारे कुछ भी नहीं था, सब परिवर्तन आए हैं। हमेशा हमारी ज़िंदगी में बहुत चेंजेस आए हैं, लेकिन उस चेंजेस को लेकर ना कितने दिन का शोक मना सकते हो कि हाय मेरी ज़िंदगी, हाय मेरी ज़िंदगी, हे भगवान छीन लिया मुझसे। ये कितना दिन करना है कि उठना है और लाइफ को एक्सेप्ट करना है कि वो जैसी भी है। और पता है, अगर आप अभी तक शोक मना रहे हो और मातम मना रहे हो ना इस चीज़ का कि भाई ये इंसान बात नहीं कर रहा है या आ नहीं रहे, तो पता है इससे ना आप अपनी लाइफ में ग्रैटिट्यूड तो बिल्कुल एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो। यहाँ पर आप ग्रेटफुल नहीं हो। फिर आप अगर उसके साथ साथ, मतलब एक तरफ अगर आप मातम मना रहे हो और दूसरी तरफ आप बोल रहे हो भगवान थैंक यू इस बॉडी के लिए, इस दिन के लिए, तो भाई आपसे बड़ा एक्टर कोई नहीं हो सकता। फिर सिर्फ आप एक्टिंग कर रहे हो, क्योंकि अगर मन में इस चीज़ का अंदर शोक बना रखा है और बाद में ऊपर ऊपर से बोल रहे हो कि आई एम ग्रेटफुल, आई एम हैप्पी फॉर माय लाइफ, तो भगवान बोल रहा है क्या बेवकूफ बना रही है, अभी अभी तो गालियां दे रही थी मुझे कि भगवान मेरी ज़िंदगी में क्या हो गया। और जो चला गया उस परिवर्तन को एक्सेप्ट करना सीखो। चेंजेस वो चीज़ है जो हमारी लाइफ में होकर ही रहते हैं, हमारे हाथ में कुछ भी कंट्रोल में नहीं रहेगा। ठीक है, आप सोचोगे कि एक जॉब है जो परमानेंट चलेगी, 8 साल 9 साल भी वहीं पर ही रहेंगे, नहीं। इत्तेफाक से कुछ ऐसा घटित हो जाएगा भाई, 1 साल बाद वो जॉब चेंज हो जाएगी, कोई और अच्छी पोजिशन पर जाओगे। तो परिवर्तन इस संसार का नियम है, उसे एक्सेप्ट करना सीखो। ठीक है, सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। रीडिंग अच्छी लगी, मस्त वाला लाइक चेप डालो और ढेर सारा प्यार दो। ब्रेसलेट हो या कोई अन्य जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो पे मिल जाएगी। उसके अलावा अगर आप लोगों को कुछ और जानकारी चाहिए, तो आप एक्चुअली डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हो और कमेंट बॉक्स में ढेर सारे मैसेजेस कर सकते हो। कमेंट बॉक्स में पढ़ती हूँ, तो बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस किया करो। मुझे अच्छा लगता है आप लोगों के मैसेजेस पढ़कर, उसमें कमेंट्स चेकआउट करके। और क्लेम करना तो क्लेम कर सकते हो इस एनर्जी को। ठीक है, सो अभी के लिए इतना ही। मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें। बाय, टेक केयर, ओम साई राम।